फसाया वे हाँ। पाम हाथ सब तोड़ रखे अच्छा। उस पे ना चला जा रहा बिल्कुल भी। मेरे चार पांच बच्चे कहाँ से पालूंगी मैं, इन्हें कहाँ से लाऊंगी इन लोग। दरअसल आज जो हमारी मौजूदगी है वो सोना के गांव रायपुर के अंदर हम मौजूद हैं और मेरे साथ ये पूरा गांव फिलहाल मौजूद है। महिला हैं, बुजुर्ग लोग हैं और मौजूदा लोग भी हैं जो इस गांव के, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। दरअसल इनका आरोप यह है कि इनके गांव में पुलिस आती है, रात को दिन में पुलिस आती है और इनके बच्चों को उठाकर ले जाती है। वो बेकसूर हैं तो पुलिस उनको उठाकर नहीं ले जाएगी, मुजरिम है तो पुलिस उनको उठाकर जरूर ले जाएगी अगर उन्होंने जुल्म किया है तो। इनसे बातचीत करने की पहले कोशिश करते हैं। जी हमारा भाई है, ना जाए पकड़ो है, कोई उसकी फोटो ना कोई कैमरा में ना कोई ना जाए, बिल्कुल ना जाए जाए हाँ। बस उसे यहाँ से घर से ले गए हैं हाँ। वो हमें डॉक्टर की दुकान बता दे हाँ। वो तो आखरो तो सबके लिए पेप्सी पिला आखरो, सब कोई पुलिस वाला आखरो हाँ। सबके लिए ठंडा पिला आखरो, उसे ऐसे कुछ है ही नहीं कि मैं लड़ाई में हूँ, वो लड़ाई में था ही नहीं हाँ। फिर भी वहाँ साथ ना इतना ना जाए कर उसे ऐसे ले गए गाँव के नहीं पकड़वायो, कह रहे पुलिस के गाँव के ने पकड़वायो है ना, वो कोई कैमरा में आया है, कल जज के आगे बेहोश हो गए हाँ। फिर वो रिमांड पे दियो दो दिन तक हाँ। फिर रिमांड पे सो आज वो रात को रोक लियो यही में थाने में हाँ। कल से फिर उस पे उठा भी ना जा रहा, फिर बड़े एसपी ने फोन करो है हाँ। कतई उन लोग आ जाओ इसके लिए कुछ खाना भी, हम क्यों खाना देखा है हाँ। क्योंकि कल जब हम केड़ा भी दे रहे तो केड़ा भी नहीं खाना दे रहे हाँ। फिर भी वहाँ के साथ इतनी ना इंसाफी करिए बहुत ज्यादा हाँ। क्यों ना जाए किसी, जब वहाँ का कोई कैमरा में फोटो ना कुछ ना, तो फिर क्यों इतनी ना इंसाफी क्यों हो रही है वहाँ के साथ है, इतना बुरा हुआ बस कुछ हम बता ही ना सके हैं, ये क्यों करा जा रहा है। फिर सरपंच गए गांव को सरपंच यूं कह गया कि जैसा हमने फंसाया ऐसा हम निकाल देंगे, जब तेने मरवा के ही पटक दे छोड़ो ही कहा हमें, अब तू कहा निकाल देगा वह है हैं। गांव का सरपंच यही बात कहेगा, अभी कहेगा हमारा आगे यही बात कहेगा, जैसे हमने फंसाया ऐसे निकाल दे, जब तेने मरवाई दिया तो अब क्या छोड़ो तने उसमें, अब क्या निकाल देगा तू उसे, लड़ाई में था वो ना, लड़ाई में ना हो बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लड़ाई में ना हो, कहीं अगर है तो वहाँ का दंड हम देने के लिए तैयार है। अच्छा बिल्कुल ठीक है हाँ जी, हाँ मैं उसकी बहन हूँ, ना जाए पकड़ो मेरे भाई, और मार भी बहुत पड़ी है हाँ, बेहोश हो कल भी उसे गुड़गांव में दिखा के लाए हैं, फिर जब यहाँ पर कर रखो है हाँ, कल तो हम केला के लिए कह रहे थे केला दे दें हमारे भाई के लिए, जब तो केला के लिए भी नाट गए हाँ, और कल हमारे लिए एसपी फोन आया था, इसने कहा रोटी दे के जाओ इसे और पंखा लगा के लाओ, जासू को ज़्यादा सीरियस कर रखो हाँ, पाँव ऐसे ऐसे कर रखो उसे मार मार के नहीं, और साहिल सरपंच और अत्तू सरपंच ने मेरे भाई पकड़वाया, और साहिल अब गया हाथ जोड़ के आया, जैसे तुम्हारा भाई पकड़ो ऐसे ही हम छुड़ाएंगे, जैसे तू पकड़वाया ऐसे ही हम छुड़ाएंगे बिल्कुल, और ज़्यादा इंसाफी हमारे घर का इनसे ही हो है हाँ। एक बार कोशिश करते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या था, क्या थी जी, जी क्या मामला था क्या? मेरा नाम तैयब हुसैन है जी, जी मैं रायपुर गांव का रहने वाला हूं, और मेरे भाई को परसों उठाया है पुलिस ने हाँ। जो कि बिल्कुल निर्दोष है, और गांव के मौजूद आदमी साहिल ने उसे उठवाया है हाँ। और साहिल आज मेरा भाई के पास गया था हाँ। और उसने कहा है कि जैसे मैंने तुझे पकड़वाया है ऐसे ही तुझे मैं छुटवाऊंगा। निर्दोष कैसे है आप? वो निर्दोष ऐसे है, वो राय मतलब गांव से कहीं बाहर नहीं गया हाँ। और बिल्कुल भी कोई प्रशासन अगर उस पर कोई फॉल्ट निकाल दे, किसी भी तरह का कोई फुटेज हो, कोई लोकेशन हो हाँ। तो हमारा भाई बिल्कुल कसूरवार है हाँ। हम प्रशासन के साथ हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे भाई को बिल्कुल बरी करा जाए, और हम चाहते हैं कि जो ये मेरे साथ जावेद है शेरू का, वो मैं और वो दोनों साथ रहे बिल्कुल, कॉलेज यहाँ पर जो मस्जिद है उस तक गए हैं। आपके भाई को कब उठा के ले गए? मेरे भाई को परसों उठाया गया है परसों गया है, उसकी रिमांड ली गई है, उस पर दबाव दिया गया है कि बोल तू कि तूने ही मारा है, जबकि उस जो बंदा मरा था उसको एक लड़का रायपुर का सिटी हॉस्पिटल में लेके आया है, सिटी हॉस्पिटल वालों ने उसको एम्बुलेंस में पटक के उसको तो उसमें जैसे ये कह रहा ना वो मतलब बाइक पर आया बताया कोई लेके उसे, जिसके जो लड़के उठाए बताओ आप? हमारे दो लड़के उठाए हैं बेकसूर हाँ। और बेकसूर, हाँ बेकसूर, कोई नुकसान नहीं। क्या था सबूत? ये है वो मेरा लड़का था ना, जब वो दुकान से आ रहा था, वो कपड़ा की दुकान पे इस बात का तो बढ़िया भी कह सकता है,
जिस वक्त झगड़ा हो रहा था उस टाइम उसकी दुकान पर सुबह बाद में आया जब वो झगड़ा कुछ कम होगा। ये बात तो बढ़िया भी कह सकते, ऐसे नहीं आई यहाँ बहुत शास्ती से मुखबरी से वो पकड़वाया है और पैदल पैदल पुलिस वाले आए थे सेवल कपड़ों में, किसी को कुछ नहीं पता। हम यहाँ सब बैठे थे और वो बोल रहे थे कि अजरुद्दीन तुम ही हो, उसने कहा हाँ मैं ही हूँ सर। तो वो बोला कि मुझे एक डांगडर की दुकान है यहाँ, बंगाली उसे बोलते हैं, तो उसने कहा मुझे वो बता दो, उसने कहा चलो हम बताते हैं। तो उस वो थोड़ी दूर हमसे ले गए उसे, तो उसने वो बिठा लिया, तो वहाँ उसका कोई मतलब नहीं था पुलिस वालों का, वहाँ क्यों उतारते उसे, वो ले गए। उसके बाद जो हमारे यहाँ से वो लड़का गया है वो हमारा वैसे चाचा लगता है, लेकिन उसके जो भाई भाई सब गए थे तो पुलिस वालों ने नहीं मिलने दिया, कहा था यहाँ कोई अजरुद्दीन नहीं है। उसके बाद फिर ये आ गए हैं, फिर बड़ा छोटों से फोन किया है कि भाई साहब हमारे गैले चल दो, हमें ये पता चले कि हमारा भाई किस केस में है और किस केस में नहीं है। फिलहाल कहाँ पे आपका भाई? फिलहाल हमारा थाने में या थाने में जेल में कर दिया गया है। सिटी थाने में अभी तक जेल में नहीं गया। कितने दिन हो गए उसको? चौथे दिन से थाने में, चौथे दिन थाने में खाना भी नहीं खा रहा, भूखा पड़ा बिल्कुल। अच्छा, अगर इसमें नाम है तो पूरा गांव है हमारा, अगर पूरा गांव जाएगा तो हम अपने भाई बेटे भतीजे जो भी हैं सबको तैयार हैं लेने के लिए, और अगर इसमें कोई नहीं है तो कोई भी नहीं है। आपका कहने का मतलब ये लेके जाए तो पूरे गांव लेके जाए, हम तैयार हैं इस बात को लेने के लिए, लेकिन हम इसमें नहीं है कि उसका लड़का मर्डर में है। तो फिर पुलिस उसी को उठा रही है जिसने अपराध किया है? नहीं पूछा था घर गए ले तो दो हजार रुपए उगाए हैं, तुम उनको कोई दिक्कत ना हो गांव में बस जाओ। काई ने नाच भी कहा, किसने उगाए? सरपंच ने, सरपंच सरपंच ने घर घर आके नहीं, हाँ किसी ने नाच भी कहा है, किसी ने मजदूरी करी है, किसी ने सिलेंडर भी कहा है, किसी ने कुछ करा है। जो तुम्हारा पकड़ा जाएगा आदमी उसे हम छुड़ा देंगे। अच्छा, हाँ अब हमारा पकड़ गया, हमें पाम में पकड़ गया, कल पाम में पकड़ चढ़ हमारे भाई छुड़ा के लाओ, जाओ हमारे भाई पे मार पड़ने का नाम नहीं नहीं चले हमारे साथ संग ना गए। सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।